अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारे चैनल एच जे बट सैवरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आज हम अपने मिट्ठू को छत पर लेकर आए हैं, तो इसको काम नहीं धूप वगैरह इनको लगवा लें। तो ये देखें माशाल्लाह मिट्ठू, ए मिट्ठू, तो इसलिए हम छत पे इसको लेकर आए हैं कि धूप वगैरह इसको लग जाए। तो ये इसको धूप में मैंने रख दिया है। माशाल्लाह धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है और आज ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको ऊपर लेकर आया। तो माशाल्लाह ये इसको रख दिया धूप में, तो माशाल्लाह बहुत ही हेल्थी और बहुत ही खूबसूरत है। ये दे मिठू, ए मैं मिठू, मिठू मैं मिठू मिठू, ए तो ये बातें तो थोड़ी बहुत करना शुरू हो गया, मियाँ मिठू कहना शुरू हो गया, लेकिन ये ना अभी थोड़ा सा ये डरता है कि जगह चेंज होने की वजह से अभी नहीं रिलैक्स हो रहा। तो अकेले में बैठ के बोलता रहता है माशाल्लाह, काफ़ी विसलिंग भी करता है, मियाँ मिठू भी बोलता है। तो मैं कल घर पर नहीं था, तो तब ये घर पर बोला था, घर वालों ने कहा कि ऐसे ये बोल रहा था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, तो मेरे सामने नहीं था बोला। मैं कल गया था एक काम से, तो इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि हल्की हल्की बातें करता है, लेकिन वो ना उस हिसाब से नहीं बातें करता। ये तो अब हम चलते हैं मास्टर केज में, मास्टर केज में देखते हैं। तो इसको थोड़ी सी धूप लगवा लें, तो फिर इसको अंदर उनके बिल्ली वगैरह ने इसका शिकार कर ले, तो इसलिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी सी धूप लगा के फिर अंदर आके इसको मास्टर केज में एवरी में इसको लेकर जाएंगे, तो फिर इसको करते हैं। तो अभी चलते हैं मास्टर केज में, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ मैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम मिट्ठू को मास्टर बर्ड्स एवरी की सेल कराते हैं। हम अपने बर्ड्स एवरी का रिव्यू देते हैं, देखते हैं बर्ड्स एवरी में जाके ये क्या करता है या जो बाकी बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं। चलते हैं हम बर्ड्स एवरी में। तो मैं मिट्ठू को बर्ड्स एवरी में लेकर आ गया हूँ, तो अभी तो दरवाजे को बंद करके मिट्ठू को हम बाहर निकालेंगे बर्ड्स एवरी में। ठीक है, राजा देखें मछला मारा मिट्ठू आ चुका है बर्ड्स एवरी में। तो हम तो चाह रहे हैं इसको ऊपर लेकर आए बर्ड्स एवरी में लेकर आए, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं इसको नीचे ही हमने रखना है। तो ये मछला देखें डांस कर रहा है, ये ऐसे ही डांस करता रहता है, जब भी मेरे हाथ में आता है ना तो वैसे डांस करता है। तो वैसे और कहीं जहाँ पर इसको बैठा बैठा रहेगा, जब मेरे हाथ में आएगा तो मस्ती करना शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ मछला बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया है, तो इसका अब कंधे पर बैठा देते हैं। चल बैठ जा, नहीं कंधे पे नहीं बैठना। तो माशाल्लाह ये इसका सुबह का जो होता है ब्रेकफास्ट होता है ये करता है जी। इसको ना सिट्टा पसंद है ना और कोई चीज़ पसंद है, ये खाता है जी चाय बिस्किट ब्रेकफास्ट में। अपने ब्रेकफास्ट में ये चाय बिस्किट खाता है, तो वैसे इनको रात के टाइम कोई चावल वगैरह दे दो, सिट्टा नहीं खाता पता नहीं क्या, नहीं तो ये जो होते हैं रॉ पैरेट ये सिट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसको अब इसको केज पे बिठा देंगे, इसके बाकी बर्ड्स इससे डर रहे हैं।
दोस्तों पता नहीं ये सेटा क्यों नहीं खाता, उसको नीचे ये देखिए पिंजरे में भी वैसे केज में भी सेटा यहाँ पे पड़ा हुआ लेकिन नहीं खाता। तो नीचे मैंने लदा भी डालता हूँ लेकिन नहीं खाता। तो इसको बिस्किट वगैरह चाय बिस्किट खिलाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, इसका नाश्ता सुबह चाय बिस्किट के साथ होता है। तो बाकी सारे दिन को ये रात को हम रोटी देते हैं, रोटी भी बहुत कम खाता है। तो ये मिठू ये मतलब फुल फ्रेंडली है, इसको जैसे मर्जी इसको कुछ कहें कुछ भी नहीं है कहता, जैसे मर्जी इसके साथ खेल रहे कुछ भी नहीं कहेगा, इसके चूंच में हाथ लगाएं इसके मुंह को हाथ लगाएं कभी कुछ नहीं कहता। नहीं तो कोई ये होते हैं जो ऐसे इसको ना जो तंग हो रहा हो तो नहीं आगे से बाइट कर देते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली, बिल्कुल कुछ नहीं कहता। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, इसकी जो है ना कलर इसका वो बहुत प्यारा है। तो जो रिंग है इसका वो भी इस रिंग की वैसे ये बहुत माशाल्लाह प्यारा लगता है। तो ये शुरू से मैंने आपको बताया भी था, जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उनमें मैंने आपको बताया भी था कि सबसे मैं पहले मैं पेरेट लाया था तो सबसे नीचे वाले पोर्शन में रखा था, तब भी मैंने नीचे रखा था, उनके घर वालों ने ऊपर नहीं था रखने दिया, क्योंकि ये जो है ना ये टॉकिंग करते हैं तो टॉकिंग भी घर में जो रखते हैं ना घर वाले इसको कहते हैं कि नीचे ही रखना है इसको, तब भी हमने नीचे ही रखा था तो अब भी नीचे ही है। तो इसका मछली ये पिंजरा तो भी इसके लिए नहीं था, ये तो वैसे मैं लेकर रखा था, तो इसके लिए दूसरा जो इनका पिंजरा होता है टेम केज इसके ऊपर इनका बना भी होता है बैठने के लिए, तो वो भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह बात चल रही है एक बंदे से, तो अगर होगी डील तो ले आएंगे। तो बाकी अंबर देखते हैं माशाल्लाह हमारे पाइट के भी ठीक है लेकिन अभी ब्रीड वगैरह ये नहीं कर रहे। ये देख इधर भी एक पेड़ है, ये ब्रीड अभी कोई नहीं कर रहा। ये भी किसी ने भी यहाँ पाइट के पेड़ ने ब्रीड नहीं की। बाकी जो सिंपल है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में इनका रिव्यू दिया था, पिछली से पिछली वीडियो में वो मैंने बताया था कि ये कितनी इनकी ब्रीड आई है। तो बाकी आप देखते हैं इनको कैल्शियम वगैरह तो मैं डाल रहा हूँ, बाकी आप देखेंगे। मिठू आ जा, मिठू मिठू कौन है ये मिठू है मिठू। तो दोस्तों मास्टर केज में नेस्टिंग बिल्कुल खत्म हो गई, तो मास्टर केज में हम नेस्टिंग रखेंगे, किनको ब्रीड के लिए नेस्टिंग की बहुत जरूरत होती है तो मास्टर केज में हम नेस्टिंग रखेंगे। मास्टर केज में मार चुका इस शॉपर में नेस्टिंग है तो हम सारी नेस्टिंग इनको डाल देंगे, ताकि ये फीचर्स के अंदर ज़्यादा ना कि ये ना इनको नेस्टिंग की ज़्यादा जरूरत ना, जितनी इनको जरूरत है उतनी लेने नेस्टिंग हमारी यहाँ पर कम ना हो। नेस्टिंग रख दी है यहाँ पे, मुझे हमारा एक छोटा भी मिला जिसको यहाँ पे कर देंगे। दोस्तों ये डव का पेयर है, डव का बच्चा है एक, इसके यहाँ पता नहीं ये फिंचेस इसके जो पर हैं वो खा रही हैं या पता नहीं क्या इसको पर को क्या हुआ है, इसके सारे पर ना उतर गए हैं। ये देखें ये इसके शोल्डर के पर थोड़े से अभी भी वो भी उतर गए थे, वो अब दोबारा आए हैं। तो ये देखें तो अभी पल पता नहीं अभी आ भी नहीं रहे या आते हैं तो दोबारा खा जाती हैं, फिंचेस खा जाती हैं पता नहीं कौन खा रहा है, तो कुछ छोड़ते हैं। तो फिंच का एक जो बेबी था उसको ढूंढते हैं वो किधर है, यहाँ पे ही है था। मैंने आपको फिंच का कल बेबी दिखाया था वो नहीं मिल रहा, वो उसका किसी नेस्ट में जाकर छुप गया, इधर इसका घर है नेस्ट में।
सुबह तो है था मेरे ख्याल से, ये है, ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी मास्टर गेम में फर्स्ट ब्रीड का फर्स्ट ब्रीड आई है फिंच की, डफ की फर्स्ट ब्रीड आई है और एक ही बच्चा है फिंच का, भी एक ही बच्चा पता नहीं अभी होना है या अंडे तो हैं इनके, तो पता नहीं ये फिंच के और पीस हैं या नहीं, तो हम इसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो मिट्ठू हमारा उस बर्ड सेवरी में है, तब को मैंने उधर रखा था, तकरीबन शाम का टाइम भी हो गया तो मैं दोबारा ऊपर आया हूँ, तो शाम का टाइम हो गया तो इनके पर्दे वगैरह नीचे करके चलते हैं नीचे, मिट्टू को भी हम नीचे लेके चलते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैंने आपसे एक शिकायत करनी थी, जो आप वीडियो हमारे वीडियो देखते हैं वो आते हैं मेहमान बन के, तो आपने मेहमान नहीं बनना, आपने अपना चैनल समझना है, तो आपने अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस, तो वो 73% ना लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर किया करें, तो 27% जो है ना वो सब्सक्राइब करके तो बेल के आइकन वो प्रेस करते हैं, तो मतलब 27% सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, जो है ना 73% वो नॉन सब्सक्राइबर है तो वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब अब जरूर किया करें हमारी वीडियो को। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए जल्दी जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।